जूली इंटरनेशनल का नया 2022 एडिशन जूली लिबर्टी एल्बम, जिसके अंदर आप पाएंगे एल्बम बनाने का वो शानदार तरीका जिसकी सहायता से आप अपना एल्बम चंद मिनटों में बना सकते हैं। देखिए एल्बम का नाम, किस पार्टी का हमें एल्बम बनाना है उसका नाम लिखेंगे, क्या साइज का, इसको कहाँ पर सेव करना है, जो PSD बनेगी वो कहाँ पर कौन से फोल्डर में सेव करनी है, कौन सी ड्राइव में वो सेलेक्ट करना है, और क्या साइज में हमें एल्बम बनाना है वो इसमें यहाँ पर हम बताएंगे, ओके करेंगे। इसके बाद देखिए हम बुलेट एल्बम के बारे में, एक ऐसा शानदार तरीका जिसके अंदर केवल मात्र फोल्डर ब्राउज करना है और हमें केवल ये सोचना है कितनी शीट में एल्बम रेडी होना चाहिए, और एक क्लिक करेंगे दोस्तों, ये एक ही क्लिक के अंदर कितनी शीट बनेगी वो सब बता देगा। सबसे पहले हमने फ़ोटो का फोल्डर ब्राउज किया, उसमें कितनी फ़ोटोज़ हैं ये खुद अपने आप काउंट कर लेगा। उसके बाद बारी आती है किस पैटर्न का हमें डिज़ाइन लेना है, हम वो डिज़ाइन पैक यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद फ़ोटो की क्वांटिटी, कितनी शीट बनानी है, हमने 10 फ़ोटो की क्वांटिटी ली तो 66 फ़ोटो से 7 शीट बनेगी पहले ही मालूम पड़ जाएगा। हमने 5 फ़ोटो लिया तो 14 शीट बनेगी, हमने 7 फ़ोटो लिया, जिस तरह का आपको एवरेज चाहिए हम यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप मानेंगे नहीं, जैसे ही आप व्यू एल्बम पर क्लिक करेंगे आपका पूरा एल्बम तैयार हो गया। ये 10 की 10 सीटें आपके सामने बिल्कुल तैयार हैं। आपको ये डिज़ाइन समझ में नहीं आया, पसंद नहीं, आप दोस्तों बंद करिए और व्यू पर दोबारा क्लिक किए, क्या तरीका है देखिए सर, पूरा का पूरा एल्बम सॉफ्टवेयर ने नए डिज़ाइन के साथ बना दिया, ये शानदार। फिर आप बंद करेंगे, जितनी बार बंद करके चालू करेंगे सॉफ्टवेयर हर बार नया डिज़ाइन बना देगा। कई बार पर्टिकुलर एक सीट को चेंज करना पड़ता है, तो सेलेक्ट करिए चेंज डिज़ाइन और बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको उसमें कितनी फ़ोटो हॉरिजेंटल उसी हिसाब के डिज़ाइन दिखाएगा, जो डिज़ाइन पसंद है उसको केवल सेलेक्ट डबल क्लिक कीजिए, वो डिज़ाइन वहाँ पर चेंज हो गया। कमाल देखिए सर, जैसे ही जनरेट एल्बम करेंगे अब आपका पूरा का पूरा एल्बम सीक्वेंसली बनेगा। हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ समझदारी से काम करेगा, फोल्डर के अंदर जाएगा, जितनी फ़ोटो की क्वांटिटी हमने दी है वो सीक्वेंस से सेलेक्ट करेगा, सोचेगा उसमें कितना हॉरिजेंटल है कितना वर्टिकल है, उसी हिसाब का डिज़ाइन खोलेगा, फ़ोटो लगाएगा और दूसरी और सेव कर देगा PSD के अंदर। कमाल देखिए सर, इस अंदाज से आप फोटोशॉप को आप अपने कंप्यूटर में खुद चला सकते हैं, भले आप बिगिनर हैं या बरसों से फोटोशॉप चलाते हैं। हम फोटोग्राफर भाई सभी फोटोशॉप बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं, लेकिन समय की बहुत कमी रहती है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने के कारण जूली लिबर्टी एल्बम आपको ऐसी सुविधा दे रहा है जिसके लिए आप सोच नहीं सकते। सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताएगा टोटल सीट कितनी बनेगी, अभी तक आप कितनी सीट बना चुके हैं, इसके बारे में भी सॉफ्टवेयर आपको हमेशा जानकारी देगा, आपके सामने ये चीज़ बनती रहेगी और आप देखते रह जाएंगे आपका पूरा का पूरा एल्बम आपके अपने हाथों से बनाया गया। प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें सारे के सारे जितनी PSD 10 की 10 PSD थी सब रेडी मिलेगी, पूरा एल्बम जैसे व्यू करेंगे पूरा का पूरा एल्बम आपका PSD में तैयार है। दोस्तों ये आपके अपने हाथ से बनाया हुआ एल्बम फोटोशॉप में, एडिट ऑप्शन में जाएंगे, कोई पर्टिकुलर आप देखिए कोई पर्टिकुलर सीट को भी दोबारा मॉडिफाई करना चाहते हैं लास्ट समय तक कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर समझदारी से काम करेगा, इस PSD में कौन कौन से फोटो लगे में ये अपने आप निकाल लेगा। अब भले ही हम पूरी की पूरी डिजाइन पूरा का पूरा नया PSD डिजाइन बना देंगे, लेकिन फोटोग्राफ्स वही रहेंगी, जितने फोटोग्राफ्स ओरिजेंटल वर्टिकल के हिसाब से थे उसी हिसाब की PSD दिखाएगा, उसी में से हमने सेलेक्ट किया और वही PSD हमारे आंखों के सामने बन गए। कमाल हो गया दोस्तों, और ये सब आपके फोटोशॉप की ताकत देखिए, जो काम हम 2-5 दिनों में करते थे अब 1 घंटे से ज्यादा करनी है, जैसे हम सेव करेंगे ये पहले वाली PSD ओवर राइट हो जाएगी। अब बारी आती है कि हमारा एल्बम पूरा का पूरा फोटोशॉप में ही तैयार है बुलेट एल्बम, अब हम चाहते हैं कि हमारी JPG भी एक क्लिक में बन जाए, तो हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट टू JPG में जाएंगे और एक नया फोल्डर का नाम दे देंगे जहां पर हमें JPG को एक्सपोर्ट करना है, हम नाम लिखेंगे नया फोल्डर का माई जूली लिबर्टी एल्बम, ओके करेंगे।
और उसके बाद आप देखेंगे कि हम चाहते हैं कि उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, अलग डिफरेंट नए साइज़ में भी कर सकते हैं, एक आधा आधा जो पेज बनाते हैं उसमें कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप एक्सपोर्ट टू जेपीजी पर क्लिक करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर वापस फोटोशॉप में हर पीएसडी को खोलेगा, जेपीजी में सेव करेगा, नए फोल्डर में डाल देगा। प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कमाल देखिए दोस्तों, बुलेट एल्बम, जूली लिबर्टी बुलेट एल्बम का कमाल देखिए। आपका पूरा का पूरा एल्बम आपके सामने पीएसडी और जेपीजी दोनों में तैयार है। आप कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं और कहीं पर भी दोबारा आप कर सकते हैं। जबरदस्त जूली लिबर्टी एल्बम में सभी फोटोग्राफर भाइयों का शानदार स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये एकदम नया जूली लिबर्टी एल्बम, इसके अंदर ऑटोमेटिक फोटो कटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, वन क्लिक फोटो बैकग्राउंड कटिंग।